If you are wearing glasses and unfit for LASIK surgery, then implantable contact lens or ICL surgery is best recommended to correct IPAR. Let's hear it from Dr. S K Narang, an eminent eye surgeon for IPAR correction, having more than 25 years of experience in glasses removal. If you are unfit and looking for implantable contact lens surgery to remove glasses, then you must watch this whole video. Today we will know something about the ICL. ICL को आम भाषा में implantable contact lens कहते हैं, जबकि contact lens नहीं है, यह आपके अंदर lens implant करा जाता है। ये किन cases में implant करा जाता है? पहले हम समझते हैं कि जो cases fail हो जाते हैं, LASIK में के लिए unfit हो जाते हैं, उनके अंदर implantable contact lens ICL डाला जाता है। अब कौन से cases LASIK के लिए unfit हो जाते हैं? LASIK के लिए अनफिट पेशेंट वो होते हैं जिनकी कॉर्निया की थिकनेस कम होती है, नंबर बहुत ज्यादा होता है, देखिए करीब-करीब अगर 10 स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में मिलाकर अगर 10 हो जाता है तो उसको हम नॉर्मली LASIK नहीं कहते हैं। और किसी का नंबर कम भी है, 5 और 6 है, लेकिन उसकी कॉर्निया की थिकनेस कम है जो कि अलाउ नहीं करती है LASIK करने के लिए, उसमें भी हम इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स केराटोकोनस जिसमें की कॉर्निया कोनिकल हो जाती है, जिनमें LASIK बिल्कुल नहीं हो सकता स्टेबल होना चाहिए, दैट मींस प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उसमें हम ICL डाल सकते हैं। ICL डालने के लिए भी हमें कुछ क्राइटेरियाज को देखना होता है। ICL डालने के लिए जो एंटीरियर चैंबर यानी कि आंख के अंदर जो चैंबर कॉर्निया और लेंस के बीच में डिस्टेंस होता है उसका कम से कम वो 2.8 मिलीमीटर होना चाहिए। ICL एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है जिसको क्लैमर कहते हैं। क्लैमर एक पेटेंटेड मटेरियल है जो कि स्टार कंपनी का, यूएसए कंपनी है स्टार कंपनी, उसका पेटेंटेड मटेरियल है। ये बहुत ही हाईली डिफाइंड मटेरियल है जो कि आपके अंदर का 50 साल तक भी रहेगा तो आपको डैमेज नहीं कर सकता है। इस लेंस को आयरिस यानी कि पुतली जिसको कहते हैं, जो कि हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है, लाइट पड़ती है तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है और फैलती है, उसके और अपने पेशेंट के ओरिजिनल लेंस के बीच में डाल दिया जाता है। उस लेंस को वहीं पर फिट कर दिया जाता है, उसका मेजरमेंट हम लेते हैं पहले ऑपरेशन से पहले, ऑर्डर करने से पहले उस मेजरमेंट के हिसाब से उस मेजरमेंट को उस कंपनी भेजा जाता है, कंपनी उस मेजरमेंट के हिसाब से कस्टम मेड लेंस बना के भेजती है और उस पेशेंट की आंख में फिट करते हैं। यानी कि उस लेंस का मिसफिट होना या अनफिट होना, एक बार आपने करेक्ट मेजरमेंट ले लिया वो बहुत मुश्किल है, यानी कि एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड, नथिंग इज रेडीमेड, हर एक पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड लेंस होता है। जो पुराने तरह के ICL होते थे उनमें कभी कभी ज्यादा चांसेस होते थे आदमी को जल्दी कैटरेक्ट हो जाता था, लेकिन अब जो नए जनरेशन के ICL आए हैं जिनमें सेंटर फ्लो होल होता है उसमें कैटरेक्ट मैंने पिछले 6 या 7 साल में नहीं देखा है कैटरेक्ट होता हुआ। पुराने डिजाइन के ICL में मैंने एक पेशेंट को कैटरेक्ट होते हुए देखा है, लेकिन अब ये चीज कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी जाती है, खास करके जब डॉक्टर बड़े ध्यान से मेजरमेंट ले और उसकी आई का मेजरमेंट ले, then only these order lenses should be ordered। अब हमें ये देखना है कि ICL किन पेशेंट्स में लगाया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब किसी का 10 नंबर से ऊपर होता है या कॉर्निया की थिकनेस कम होती है, अगर नंबर कम भी 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, अगर कॉर्निया की थिकनेस कम है और पेशेंट LASIK के लिए अनफिट है, उसमें भी ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जा सकता है, ये ICL लगाया जा सकता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 22 23 -23 पावर तक भी ICL लगाया जा सकता है। इवन समटाइम्स प्लस के लेंसेस, प्लस के क्लियरेंस प्लस की होती है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, उनमें भी ICL लगाया जा सकता है अगर बाकी सारे पैरामीटर्स फिट होते हैं। सेकंड टाइप की चीज आती है कि क्वालिटी ऑफ विजन ICL में कैसी होती है। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ विजन ICL में LASIK से बेटर होती है, इसमें कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है जो कि LASIK में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है थोड़े दिनों के लिए। तो एक क्योंकि जो लेंस है वो एक आई के नोडल पॉइंट के ऊपर, आई के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, ओरिजिनल लेंस के ऊपर ही प्रेजेंट है, जो करेक्शन है, करेक्शन इज प्रेजेंट राइट ऑन द लेंस, दैट इज व्हाई दिस इज मोर एक्यूरेट। अब अगर मान लीजिए समथिंग गोज रॉन्ग विद ICL, दिस इज अ टोटली एकदम बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसको 2 मिनट लगते हैं इस लेंस को बाहर निकालने में और पेशेंट की आई फिर दोबारा उसमें नॉर्मल, उसमें रिस्टोर हो जाती है जिस कंडीशन में वो आया था। अगर मान लीजिए पेशेंट को 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद कैटरेक्ट होता है, जैसे एज के साथ कैटरेक्ट होता है,
तब भी इस आईसीएल के आंख में पड़े होने की वजह से कैटरेक्ट के ऑपरेशन में कोई भी तंगी नहीं होती है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। पहले एक मिनट के अंदर इस लेंस को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद कैटरेक्ट का प्रोसीजर लाइक नॉर्मल कैटरेक्ट प्रोसीजर हो सकता है। आईसीएल जैसा कि मैंने बताया कि स्टार कंपनी का ग्लैमर मटेरियल का आईसीएल आता है, कुछ इंडियन कंपनीज का भी आईसीएल आना शुरू हो गया है, लेकिन मेरे को पर्सनली आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस एंड व्हाटएवर लिमिटेड एक्सपीरियंस आई हैव विद इंडियन आईसीएल, जो इंडियन आईसीएल का मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं इस बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टार का ही आईसीएल लगाता हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स बेस्ट मिलते हैं और मैं एडवाइस करता हूँ कि स्टार का आईसीएल ही लगाना चाहिए। दिस इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड, एक वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है। वी एट नारायण आई शुड हैव बीन डूइंग आईसीएल्स फॉर द लास्ट 10 इयर्स एंड वी हैव डन मोर देन प्रोबेबली 2000 आईसीएल्स सिंस देन एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल। सब बिल्कुल अच्छा है, वेरी हैप्पी फेस। Narang Eye Institute, a super specialty eye hospital offering high standard and most ethical eye care services, trusted by 1 million patients.